वेलकम बैक टू व्लॉग। हम लोग कब से आपके साथ सस्पेंस कर लेते और अभी कुछ शॉट हमने आपको दिखाया तो आपको पता चल गया होगा। वाइल्ड जो है ना, आज जो है ना वाइल्ड कुछ फोटोग्राफी और कुछ शॉट्स लेने के लिए हम लोग निकले। मैं अपने चैनल में वेलकम करता हूँ असम नेहरा जो को। ही इज़ ऑल्सो द मेम्बर ऑफ 4x4 एक्सप्लोरर स्क्वाड। और बस अब मैं घर में था, आराम कर रहा था और असम भाई का फोन आ गया कि आई वॉज एट जिम। तो मैं जिम में वर्कआउट किया था, असम भाई का फोन आया कि भाई 3 बजे चलना है, निकलना है, आ गया आपने आना है तो चलते हैं। मतलब मैं किधर चला, किधर जाएंगे, कुछ वाइल्ड फोटोग्राफी और साथ में कुछ वाइल्ड शॉट लेंगे। असम भाई सबसे पहले मैं सब दोस्तों को सलाम करूँगा और एक ट्राई करूँगा कि आप कहाँ भी आए खुश रहे। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कलंदर पुरुषोत्तम भाई का कि हमारे यार होस्ट हैं। और बाकी ओवर टू कलंदर भाई, आप बताएं थोड़ा सा हमारे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ हमें मिल सकती है आज। अगर अभी इंशाल्लाह हम लोग चलते हैं सिंध आई देख और उड़िया, इंशाल्लाह यहाँ से ज़्यादा मिलेंगे। अभी आपने जो एक बड़ा मनसा मंजर देखा, लोग बोलते हैं कि यार सुबह से सेफ नहीं, लेकिन जो हमने मंजर देखा उसमें एक परिंदा सुबह से इतनी खूबसूरती बयान कर रहा था, यहाँ का अमन बयान कर रहा था कि क्या अमन है यहाँ पर। तो आप वीडियो की कुछ हाईलाइट शॉट्स दिखाएंगे मुर्तजा भाई? बिल्कुल, मैंने बनाया है उसको, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अरे वो बिल्कुल डर ही नहीं रहा था, बिल्कुल रिलैक्स था और मस्ती कर रहा था अपनी। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर की जो ब्यूटी है ना वो बड़ी कमाल की थी। वो कुछ शॉट कैप्चर किए और अभी आगे और भी शॉट्स कैप्चर करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहेगा हमारे साथ। अभी रास्ते को एंजॉय करें। आवाज़ ऐसे में क्लियर नहीं है ना, डबिंग है ना थोड़ी डिंग। बस नजर भाई आपने क्या एकदम से गाड़ी घुमा दी, तीतर देखे गाड़ी घुमानी थी। यहाँ पर कौन लुक आफ्टर करता है और इनकी केयर कैसे होती है, गेम वार्डन्स या अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। अभी हम एक जगह रुके हैं, हमारा दूसरा गाइड आएगा उसके साथ हमने आगे जाना है। और अभी हम कीर्तन पार्क में मौजूद हैं और हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और सुबह से हम वाइल्ड लाइफ को ही देख रहे हैं, कुछ फोटोग्राफी की है, कुछ फ़ोटोशूट्स किए हैं, बस ड्रोन भी उड़ाना है, वो भी देखना है। अभी हम लोग जा रहे हैं आईबैक्स के लिए और वहाँ जाके कुछ आईबैक्स वगैरह के शॉट लेंगे। सुबह सुबह हमें यहाँ पर बड़े खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर मिले और हर तरफ से बड़े खूबसूरत तरीके से जो है ना आवाज़ें आ रही हैं, यानी जो साउंड्स हैं ना परिंदों के, माशाल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तेरी जो है नेमतों को जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। ये जो कानों में भी मेरे पड़, ये पता नहीं आप लोग को आ रही है नहीं आ रही, लेकिन ये मुझे जो है रिलैक्स फील कर रहा है। वेदर होए 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 होए, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा जो है ना गर्म है, यानी मीठा ठंड जो होता है ना वो वाला वेदर है, चिल माहौल चल रहा है। तो जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर जो है ना और भी ज़्यादा ट्रिप में मज़ा आने लग गया है। अभी तो खैर हसन रेजो भाई को मैं आप लोग को तारुफ़ करवा दूँ। हसन रेजो जो है एक व्लॉगर हैं, एशिया में सबसे बड़ा गोल्ड फॉर्म चैनल उनका ही है और साथ में सिंध के एम्बेसडर भी हैं। तो इसकी वजह से जो है ना आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले आप आ जाओ। मैंने बोला चलो भाई कि पूछ तो थोड़ा सा हमारे भी कॉन्टेंट मिल जाएगा और मैं भी थोड़ा वाइल्ड लाइफ को जान जाऊँगा। तो मुझे इसमें जो है दिलचस्पी होने लगी इस फील्ड में वाइल्ड लाइफ की। तो वैसे एडवेंचर तो करते ही रहते हैं, एडवेंचर तो बहुत करते हैं, वाइल्ड लाइफ हमने बहुत देखे हुए भी हैं, लेकिन आज सिर्फ फीलिंग करने जो आए ना वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही फील करने आए, ठीक है ना। तो बस वीडियो में बने रहे, ये मैंने बोला आपको बता दूँ।
ऑलमोस्ट 60 to 65 किलोमीटर्स के फासले पर है। और क्या यह खूबसूरती है, मैं समझता हूँ लोग बाहर ममालिक जाते हैं वाइल्ड लाइफ देखने, अगर उनके पास टाइम हो और अगर वो सूबा सिंध में हो तो कराची सिटी से 60 किलोमीटर की दूरी पर कीर्थन नेशनल पार्क वाक़ है। वहाँ क्या खूबसूरत मनाज़िर हैं जो कि वाइल्ड लाइफ भी आपको नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान की खूबसूरत वाइल्ड लाइफ दिखाऊंगा। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पाई जाती है ये देखो, यहाँ जो है ना हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और मैं आ रहा था यहाँ से, अब हम लोग आई बाइक्स को घूमते घूमते जब इधर पहुँचे तो एकदम से जो ना ये नज़र पड़ी हमारी, और हम जो है ना एक वेरी हाइट में है और माशाल्लाह व्यू चेक करें, व्यू के जो है ना पैसे हैं। ये हमारे कलंदर भाई, हमारे भाई हैं सारे जो हमारे गाइड्स हैं, बाकी ये देखें व्यू तो देखने के मेरे भाई, ये व्यू है और मैं एकदम से चौंक गया, ये क्या एक जबरदस्त और सरप्राइज व्यू मिला, अमेजिंग। हो सकता है मेल आई बैग हमें मिल जाए वहाँ पर, तो इसलिए हमने लोकेशन चेंज की है और हसन नरे जो है वो बाइक में जा रहा है, बाकी आप जो है ना सीट ड्राइवर की चेंज हो चुकी है और लोकेशन हम लोग चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता देख जो हमने टेलीस्कोप में देखा तो पता चला कि मेल आई बैग हो सकते हैं यहाँ पर, सो डैट्स वाई हम लोग उसकी तलाश में, क्योंकि उसके सिंग बड़े होते हैं तो उसकी तलाश में हम इस तरह निकल गए, अब यहाँ रुक गए। और सीन कुछ ऐसा है कि जानवर बहुत बड़े हैं यहाँ और बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ी नहीं ले जाएंगे, खामोशी से जाना है, वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद जो मज़ा आएगा। मैं भी यही बता रहा था कि यहाँ जो है मेल आईबैक्स की जो है ना चांसेस ज़्यादा है हमारे पास, और हो सकता है कि हमें बड़े सिंग्स और अच्छी शॉट्स मिल जाए क्योंकि बड़ा जानवर है वहाँ पर, तो शोर तो बिल्कुल नहीं करना, ड्रोन उठा लेते हैं अपना। और एक मिनट यार आपकी सीट मैं खींच लेता हूँ, भाई की सीट, भाई जब तक हम नहीं निकलते भाई नहीं निकल सकते, तो खामोशी से अब जाना है, शोर नहीं करना, बिल्कुल भी शोर नहीं करना। और जैकेट मैंने पहन लिया, ठंड लगने लगी मुझे एकदम से, जो ना हवा बहुत ठंडी हुई क्योंकि हम लोग बहुत हाइट में अभी, और माशाल्लाह से जो है ना ज़बरदस्त जगह है और शोर बिल्कुल नहीं करना यहाँ पर, जो है ना गाइड्स को बड़ा जानवर दिखा है मीन बड़ा आईबैक्स, तो उसके लिए हम लोग जो है ना अभी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, बस दुआ करते हैं कोई अच्छा शॉट मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। गाइड बोल रहे शोर नहीं करना और वो थोड़ा तेज़ हो गए, उनको दिख गया है मेरे ख्याल में, और वो बोल रहे हैं कि शोर आपने नहीं करना, तो हम लोग बस प्यार से चलो सो जाएंगे।
इधर नज़दीक आ रहा था ये आ नहीं रहा था ये इधर नहीं है भाग गए क्या बेटे सामने खड़े थे झाड़ियों के पास खड़े हुए झाड़ियों के पास हाँ ये भी उनके पास ही जा रहे गजेल भी बोला जाता है ये चिंकारा है जो कि हमारे सिंध के ये हिरण है ये भी आप देख सकते हैं चार से पांच दाने खड़े हुए I show you something and its view. Look at this. Check this view. क्या नेचर है amazing, amazing nature. ये देखिए लैंडस्केप की तो बात है ना वो कुछ और ही है ये देखिए लैंडस्केप वाह 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 ऐसे व्यूज के साथ जा रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है बड़ा खूबसूरत व्यू है और माशाल्लाह ये कीर्तन पाठ हमारे सिंध में मौजूद है और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ लेकिन इस जगह पर नहीं आया था इस तरह की लैंडस्केप में नहीं आया था इसके और ये लैंडस्केप देख के पता नहीं क्यों मेंटली जो है ना स्ट्रेस जो होता है वो ख़त्म होता है बड़ा रिलैक्स मिल रहा है साथ में जो वेदर है दे आर ऑसम क्या खूबसूरत वेदर है माशाल्लाह यानी क्लाउडली वेदर हो रहा है और माशाल्लाह चले यार बहुत आगे निकल चुके उनको चेज़ करना है यहाँ चीज़ें सारी बिगड़ के रख दी हैं हाँ अबे यार अब तो बैटरी चेंज करने दो ना मुझे टाइम लैप्स लेते हैं हाँ बैटरी चेंज करने गोपुर ख़त्म हो रहे बैटरी ख़त्म हो रही गोपुर नहीं हो रहा
नीचे रख दो, नीचे रख दो आप। जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय आ गई है भाई, चाय आ गई है। हाँ हाँ, मॉर्निंग हो गई है अब। बकरी के दूध की चाय, प्योर। क्या कह रहे हो? वहाँ छाओ, यहाँ धूप, पीछे आईपैक्स, पीछे भी छाओ। चलो राइट साइड पे चिंकारा, उसके लेफ्ट साइड पे हिरन और उड़ियाल। माशाल्लाह, मेरा सुना इसमें बड़ा ताकत होती है, पता नहीं क्या खाते हैं। ताकत होती है वो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग जुबान में? क्या? गोगीटा, गोगीटा, गोगीटा जबान में उसको ये बोलते हैं भाई। जिसको पता है गोगीटा का मतलब क्या, बता दो उर्दू में। सही है ना, बॉनविटा से भी ज्यादा ताकत तो वो खाते हैं। आईपैक्स यहाँ शिकार के लिए आते हैं क्या लोग? पाकिस्तान में बहुत ये मखसूस जगह है जहाँ सिक्योर किया हुआ है इसको। माशाल्लाह, सही है, सही है, गुड है, गुड हो गया। और ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 2-3 सालों में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिस तरह ब्रीड कर रही है ना। देखा अपने बच्चों के साथ माँ दूध पीते हुए कैसे। अगर हंटिंग होती तो ये खत्म हो जाता आज तक, लेकिन अभी देखो आबाद है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। अब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत काफी वाइल्ड लाइफ है, काफी वाइल्ड लाइफ जिंदगी चल रही है यहाँ। ओके, चल रही है। लोग बाहर जाते हैं भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ देखने, लेकिन यहाँ वो भी समय कराची के नजदीक यार, 60 किलोमीटर क्या है यार, हार्डली 1.5 आवर्स की ड्राइव है। और माशाल्लाह खूबसूरत मनाजिर, सीनरी, उसके बाद वाइल्ड लाइफ, और माशाल्लाह से जो बर्ड्स देखे हमने, ईगल्स देखी और पार्ट्रीज देखे और वल्चर्स भी यहाँ पर हैं, क्या बात है। इट्स टोटली अमेजिंग, जो बात है वो है। चाय पी ले यार। अच्छा।